शीज़ा अवान इस्लामाबाद से, ईद मनाने का शरई तरीका क्या है? उनका दूसरा सवाल है कि हमारे यहाँ अक्सर चांद देखने पे झगड़ा हो जाता है, ऐसे में हमें किसी को फॉलो करना चाहिए? मुसलमानों की अक्सरियत जिस तरफ हो उसे फॉलो करें, ठीक है। अगर खुद चांद नजर आ गया सबसे अच्छी बात है, नहीं आता तो अक्सरियत को फालियत का साथ देना, बिल्कुल सही है। और ईद मनाने का ईद मनाने का तरीका यह है कि ईद के दिन गुसल करें, अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, मर्द ईदगाह में जाकर ईद की नमाज अदा करें, दिलों से रंजिशें मिटाएं, लोगों से मिलें, हंसें बोलें, खुशी से गुजारें, अल्लाह से आइंदा के लिए बेहतरी की दुआ करें, गुज़श्ता कोताहियों पर माफ़ी मांगें। सही, बिल्कुल सही। ईद का मतलब है खुशी का दिन, खुशी का दिन, वहाँ खुशियाँ मनाए, खुशियाँ मनाए। और ईदें सिर्फ दो हैं, रमजान की ईद ये है वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, उसने तुम्हें हदायत दी, मुसलमान बनाया, तुम्हें रमजान की इस एक्सरसाइज से गुजारा और तुम पर बेपनाह इनाम किए, तो वो मुकम्मल हो गया, तो उसकी खुशी में खुशी मनाओ, नए कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ, दोस्तों से मिलो, खाने खाओ, पकाओ। सही। दूसरी ईद कुर्बानी की है कि एक बहुत बड़े कुर्बानी में आपको उसने शामिल कर लिया। देखिए ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़ईफ़ुल उमर थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह जैसा चांद सा बेटा था, हुक्म हुआ ज़बह करें, उन्होंने तो अपने तरफ से ज़बह कर दिया, आँख खोली तो दुम्बा ज़बह हुआ पड़ा था। सही, बिल्कुल ठीक। तो आप एक दुम्बा लेकर उसे ज़बह करते हैं तो आप पर वो कैफियत वो वारद करे कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वारद हुई थी इस्माईल को ज़बह करते। अल्लाह अकबर। तो जब तक ये कैफियत नहीं आती तो फिर मजा क्या, फिर मजा नहीं तो है। फिर अगर ये कैफियत आती फिर तो ईद है, फिर तो ईद है। सही तो बात, खुशी मनानी चाहिए। सही बात, सही, बात, सही बात। इसलिए उलमा कहते हैं ना कि असल तो कुर्बानी को खुद ज़बह करो, लेकिन अगर कोई बूढ़ा है, माजूर है, नहीं कर सकता तो कम अज़ कम पास खड़ा हो जब कोई, ताकि उसे एहसास और वो कैफियत वारद करे।